तो नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने सक्सेस टू यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जिन स्टूडेंट का ट्रिपल सी का एग्जाम दिसंबर मंथ में है या आने वाले मंथ में है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल है, क्योंकि मैं आप लोगों को वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और नए सिलेबस पर आधारित हैं। जैसा कि अभी दो दिन पहले रिजल्ट आ चुका है पिछले मंथ का, तो उन स्टूडेंट ने बोला, सर जो आपने बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन उसमें से आए थे और मेरा रिजल्ट भी आ चुका है, अच्छे मार्क्स में पास भी हो गया हूँ। तो मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिला कि हाँ, जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ वो हाई आ जाते हैं एग्जाम में, तो मुझे आइडिया लग जाता है कि हाँ, एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में 19 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करने वाला हूँ, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट किया जाए। दोस्तों, ये आपकी अपनी वेबसाइट है, अगर अभी तक आपने इसको ओपन नहीं किया तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, यहाँ पर भी आपको ट्रिपल सी रिलेटेड टॉप लेवल के क्वेश्चन एंड आंसर देखने को मिलेंगे, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और ये आपके भाई का फेसबुक पेज है, इस पर अगर आप हमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पर भाई हमें ज्वाइन कर लीजिए, हम आपको हमेशा कोई भी क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके साइड में बेल आइकन होगा, प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको ट्रिपल सी रिलेटेड भी कोई भी जानकारी मैं अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आज के टेस्ट में जो पहला क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पर कार्य करता है, कंप्यूटर कौन सी भाषा पे कार्य करता है। इसमें हम मिस टाइप हुआ है, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, मिस टाइप हो जाती तो आप उसे एडजस्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं बोल ही देता हूँ कहाँ पर क्या हुआ, कंप्यूटर कौन सी होना चाहिए, ठीक है, कौन सी भाषा पे कार्य करता है। तो नंबर एक ऑप्शन है जावा, नंबर बी है मशीन, सी नंबर है बेसिक, डी नंबर है कोबोल। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मैंने शायद पिछली वीडियो में यानी कि कुछ दिन पहले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया भी था। तो जो आपका कंप्यूटर होता है वो हमारी मशीनी लैंग्वेज को समझता है, ठीक है, जो आप ए बी सी डी या फिर कुर्ती दो या टाइम न्यू रोमन जो भी लैंग्वेज लिखते ये नहीं समझता, कंप्यूटर जो समझता है वो मशीनरी लैंग्वेज को समझता है, जिसके बिहाफ पे वर्क करता है, जो आप इंस्ट्रक्शन देते हैं, निर्देश देते हैं तो प्रोसेस करके आप लोगों को जो भी आउटपुट प्रोवाइड करता है वो आपका मशीन लैंग्वेज में समझ जाता है कंप्यूटर, ठीक है, तब आप लोगों को प्रोवाइड करता है। बीच में ट्रांसलेटर लगे होते हैं जो कि आपके हिंदी इंग्लिश को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकोस क्या होता है, तो नंबर एक वेबसाइट, नंबर बी नेटवर्क, सी नंबर वेब ब्राउजर, डी नंबर सर्च इंजन। तो जो आपका लाइकोस होता है एक प्रकार का क्या होता है, सर्च इंजन होता है। दोस्तों, यदि आप लोगों को कमेंट आपको लोगों को मालूम है इसका करेक्ट आंसर तो बेशक आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, सर्च इंजन, कई बार क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा टेक्स्ट फंक्शन नहीं है, तो नंबर एक है पीएमटी, ठीक है, नंबर बी है वायर, सी नंबर है कैर, डी नंबर है लैंड, ठीक है, लेंथ। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, अगर आपको मालूम तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझा देते हैं पहले आप लोगों को, जिससे आप लोगों को डाउट क्लियर हो जाए। और ये क्वेश्चन कहाँ से, ये क्वेश्चन आपका एमएस एक्सेल से रिलेटेड है, एक्सेल से, ठीक है। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कि हम एमएस एक्सेल में जैसे सम यूज करते हैं, ठीक है, सम में हम डाला 5 + 5 + 7, ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 7 = 12 हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन इसी तरह टेस्ट फंक्शन, जैसे कि आपने कुछ लिखा, कंप्यूटर लिखा, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये हमारे टेस्ट हो जाएंगे, और जैसे हमने 5 3 ये हमारे हो जाएंगे न्यूमेरिक। तो इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि जो टेस्ट फंक्शन इसमें इनमें से कौन सा नहीं है, तो पीएमटी, ठीक है, उसके बाद वायर, कैर, लैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पीएमटी। पीएमटी आप लोगों का एक आई होप आप लोगों को मालूम होगा, जैसा कि इसका यूज फाइनेंशियल में यूज किया जाता है, जिसको आप फाइनेंस कराते हैं वहाँ पर इसका यूज होता है, ठीक है। और जो आपका वायर होता है वेरिएबल के लिए होता है, करेक्टर आपके वर्ड काउंट करने के लिए, लेंथ कितनी आपके वर्ड में कितनी लेंथ है उसके बारे में ये बताता है, ठीक है। तो ये सारे जो आपके हैं ये सब हमारे टेस्ट फंक्शन है, और जो पीएमटी एक हमारा क्या है, फाइनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन मतलब फार्मूला वही हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नंबर क्वेश्चन है, यूटीआर का पूर्ण रूप होता है, यूटीआर आई होप आप लोगों को मालूम ही होगा, जो लोग ट्रांजेक्शन करते हैं तो यूटीआर नंबर आप लोगों को प्रोवाइड होता है ना, मिलता नहीं है वो,
तो वही होता है यूटीआर। उसका फुल नेम क्या होता है यूटीआर का? तो नंबर एक है यूनिफॉर्म ट्रेड रिसर्च, नंबर बी है यूनिक ट्रांसफर रेफरेंस, सी नंबर है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस, डी नंबर नन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यूटीआर का फुल नेम होता है, वो होता है यूनिक ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ठीक है, वो यूनिक होता है ट्रांजेक्शन रेफरेंस। ठीक है, राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन पूछे जाते हो, हो सके तो आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो कॉपी पेन आपके पास हो तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है POS का फुल नेम क्या होता है? तो नंबर एक है पोस्ट ऑफिस सेक्टर, नंबर बी है पावर ऑन स्विच, सी नंबर पॉइंट ऑफ सेल, डी नंबर पार्ट ऑफ सेक्शन। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज रहते हैं क्योंकि सिमिलर उनको देखने को मिलते हैं, सोच रहे होंगे इसमें से कौन सा होगा क्योंकि सब एक जैसे दिख रहे हैं। तो क्वेश्चन का मतलब समझना है और जो मैं बता रहा हूँ उसको समझना है, फिर उसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि सी नंबर, POS का फुल नेम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है IMAC एक प्रकार का है, नंबर एक रजिस्टर, नंबर बी प्रोग्राम, नंबर सी मशीन, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सी नंबर मशीन। दोस्तों मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, आप थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए। जो CCC का एग्जाम होता है, जिन स्टूडेंट को नहीं मालूम उनको बताना चाह रहा हूँ, जो CCC का एग्जाम होता है उसमें कुछ क्वेश्चन डिफरेंट आने लगे हैं। क्या डिफरेंट आने लगे? पिछले 3-4 महीनों से एक नया सिलेबस CCC एग्जाम में ऐड किया गया है जिसका नाम है लिब्रो ऑफिस, जो कि आपके MS ऑफिस की ही तरह होता है पर कुछ डिफरेंट होता है। तो इसी से रिलेटेड, यानी कि लिब्रो ऑफिस से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन CCC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो जितना भी हो सके आप लिब्रो ऑफिस से क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। ठीक है, और मैंने भी लिब्रो ऑफिस के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए वहां से वो वीडियो देख लीजिए। आई होप आपको लिब्रो ऑफिस में पूरी तरह से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया गया है। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है आप लोगों का ब्राउजर, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो नंबर एक है जावा, नंबर बी है .NET, सी नंबर सी, डी नंबर C++। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा C++, जो आपकी लैंग्वेज है इसी में आपका इंटरनेट एक्सप्लोर यानी कि इस ब्राउजर में यूज किया गया है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है CTCP का पूर्ण रूप क्या होता है? नंबर एक क्लाइंट टू कंप्यूटर प्रोटोकॉल, बी नंबर है कंप्यूटर टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, सी नंबर क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल, डी नंबर है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो जो CTCP का फुल नेम होता है वो होता है क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। जिन्होंने प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा होगा उनको मालूम होगा कि CTCP का पूर्ण रूप क्या होता है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उनको मैंने आज बता ही दिया, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पुश बटन उपलब्ध होता है। तो नंबर एक है स्लाइड, नंबर बी है टूल्स, नंबर सी है फॉर्मेट, डी नंबर इंसर्ट। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इंसर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है B2B का पूर्ण रूप होता है। नंबर एक बिजनेस टू बैंक, बी नंबर बैंक टू बैंक, सी नंबर बिजनेस टू बिजनेस, डी नंबर बेस टू बिजनेस। तो B2B, C2B और B2C ये सब क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 2-4 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो जो B2B का फुल नेम हो जाएगा वो हो जाएगा बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोजिला फायरफॉक्स एक ब्राउजर वेब ब्राउजर होता है। तो जो आपका मोजिला फायरफॉक्स होता है वो एक प्रकार का ब्राउजर होता है, आप लोगों को मालूम ही होगा। राइट आंसर हो जाएगा टी नंबर, मोजिला फायरफॉक्स एक प्रकार का आपका क्या है, वेब ब्राउजर है। ठीक है, जैसे आप लोग क्रोम होता है, ठीक है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, उसी तरह मोजिला फायरफॉक्स भी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाफ बाइट एक निब्बल के नाम से जाना जाता है या निब्बल के नाम से जाना जाता है। नंबर एक है फाल्स, नंबर बी है ट्रू। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ट्रू। मैं आपको बता दूं, जो आपका एक बिट होता है, ठीक है, सॉरी, यानी यहाँ का इस क्वेश्चन का मतलब है एक हाफ बाइट। ठीक है, एक हाफ बाइट जो आपका होता है वो एक निब्बल के नाम से जाना जाता है या निब्बल भी कह सकते हैं। तो जी क्वेश्चन राइट है, जो आप लोगों का यानी कि 8 बिट जो होते हैं, ठीक है, मैं आपको समझा दूँ थोड़ा, 8 बिट होते हैं वो एक बाइट का निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो आप लोगों का 4 बिट होता है वो एक निब्बल का निर्माण करता है।
क्वेश्चन थोड़ा घुमा के समझिएगा, एक निब्बल के बराबर होता है, ठीक है, एक निब्बल के 8 बिट एक बाइट के बराबर होता है और 4 बिट एक निब्बल के बराबर होता है। तो यानी जो आप लोगों का 8 बिट है एक बाइट के बराबर हुआ, यानी कि 1 बिट कहलाएगा, ठीक है। और 1 बिट का अगर हम हाफ करेंगे तो 4 आएगा, यानी कि हाफ निब्बल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 बिट बराबर 1 निब्बल होता है। तो राइट आंसर इसलिए ट्रू हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वर्ड काउंट की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस जी होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फाल्स। वर्ड काउंट की जो शॉर्टकट की जो होती है वो मैं आपको बता दूं, जैसे आ भी जाए, सॉरी कंट्रोल, ठीक है, CTRL प्लस शिफ्ट उसके बाद प्लस उसके बाद जी होगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी वर्ड काउंट की शॉर्टकट की जो होती है। कंट्रोल जी आएगा तो मत सिलेक्ट करिएगा, इसको फाल्स करिएगा, फाल्स है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल डाउन की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डी होती है, तो जी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टी, यानी कि बी नंबर ट्रू, फिल डाउन की शॉर्टकट की कंट्रोल डी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूर्ण रूप वायरलेस फिडेलिटी होता है। आई होप वाईफाई आप सभी यूज करते होंगे इसका, लेकिन फुल नेम जो है ना मैक्सिमम लोगों को नहीं मालूम होगा, तो जिनको नहीं मालूम है उनको मालूम हो जाएगा आज कि वाईफाई का फुल नेम क्या होता है। राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, जो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वो वायरलेस फिडेलिटी भी होता है, ठीक है, वायरलेस फिडेलिटी होता है वाईफाई का फुल नेम। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप इसी तरह के और भी क्वेश्चन चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप ट्रिपल सी रिलेटेड कुछ भी पूछना चाह रहे हैं तो बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।